हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भयंकर पत्थरबाजी मस्जिद पर हुआ, तगड़ा एक्शन। और ये कौन सी जगह है? जहाजपुर, स्टोन पेल्टिंग, राजस्थान। हुई हुई हम तो शिमला तो शिमला की बात सोच रही थी, शिमला में हुआ था ना। वो कह रहे थे शिमला में कोई इलीगल उन्होंने मस्जिद को बना के करा हुआ था। ये राजस्थान में भी कुछ हुआ हुआ है। चलो देखें, ये तो पता ही नहीं। मतलब बहुत जगह जगह यही काम होंगे, ये मस्जिद लीगल होंगी, इस टाइप के काम हुए हुए होंगे मुझे लगता है। अब वो न्यूज़ में आएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। शाहपुरा जिले के जहाजपुर में कल धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव के बाद अब तनाव बढ़ गया है। आज पूरे जिले के बाजार बंद है। जिस मस्जिद से पथराव किया गया उसे नोटिस वहां पर चस्पा दिया है और सील कर दिया है। साथ ही उस मस्जिद से जमीन की कागजात 24 घंटे में पेश करने को कह दिया गया है। अब तक इस मामले में एक महिला सहित 9 लोगों को पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान के शाहपुरा में पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े पत्थर किसी को लगे तो। और जिस मस्जिद से कल यात्रा पर पथराव किया गया था उसको भी आपको बता दें नोटिस चिपका दिया गया है। कल पथराव के बाद कई लोग घायल हो गए थे, ये जानकारी सामने आ रही थी। साथ ही साथ मस्जिद को नोटिस देकर उसकी जानकारी भी मांगी गई है। इन सब के बीच सबसे बड़ी जानकारी यही कि पूरे इलाके में जो तनाव का माहौल है उसको देखते हुए सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है। तो पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 9 लोगों को पकड़ा है। साथ ही साथ मस्जिद से जमीन के कागजात 24 घंटे में पेश करने को कहा गया है। पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे। आज पूरे इलाके में बाजार बंद है। जिस मस्जिद से पथराव किया गया था यात्रा पर उसे पुलिस ने नोटिस वहां पर चस्पा कर दिया है, उसको सील कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जमीन के जो कागजात है मस्जिद के वो 24 घंटे में पेश किया जाए। तमीज लोग हैं वो। राजस्थान में तनाव का है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। भीड़ के साथ वहां पर मौजूदा विधायक भी धरने पर बैठ गए हैं और लगातार आप देखिए जनता में आक्रोश है अतिक्रमण पर। इतनी हिम्मत हो रही है उन लोगों की। आगजनी की गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। राजस्थान के जहाजपुर से हमारे संवाददाता विनय पंत की ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। मैं इस समय जाजपुर का जो बस अड्डा है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ से जो घटनास्थल है वो तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं पूरे चप्पे चप्पे पे जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ये मार्केट है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है, मार्केट बंद रखा गया है। जो व्यापारी है उन्होंने घटना का विरोध जताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो कल जिस तरह से जल झूलनी एकादशी थी तो जो धार्मिक यात्रा है वो निकाली जा रही थी और तेजादशमी और जूतनी 11 पे जो ये शोभा यात्रा है वो निकल रही थी, तभी जो जहाजपुर की जो जामा मस्जिद है उसके पास एक पुराना दरवाज़ा है, उस दरवाजे के अंदर पहले विवाद हुआ और दरवाजे को जैसे ही क्रॉस करके यात्रा जामा मस्जिद की तरफ आई तो इतने में पथराव जो है वहाँ पे हुआ, जिसमें धार्मिक यात्रा में जो लोग शामिल थे उनमें भगदड़ मची, कई लोगों की चोट आई। जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद खुद जो आईजी हैं वो मौके पे पहुँचे, एसपी मौके पे पहुँचे और 9 जनों को अब तक पुलिस डिटेन कर चुकी है। 9 से ज़्यादा लोग हैं। इस घटना का काफ़ी रोज देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको भी पुलिस जब तक गिरफ्तार नहीं करती तब तक इसी तरह से बाजार बंद रखे जाएंगे। और जो धार्मिक यात्रा है जैसा कि जल झूलनी एकादशी पे उसको निकाला गया था, किले से ये यात्रा लाई जाती है और वापस किले में ही जो भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, लेकिन वो प्रतिमा अभी किले तक नहीं पहुंच पाई है, शहर में ही उसको रखा गया है। लोगों की मांग यही है कि जब तक सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यात्रा भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, हमारे सहयोगी विनय पद की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। इन सब के बीच आप देखिए तस्वीरें अब सामने हैं किस तरह से पथराव किया गया। इतनी और हिम्मत बढ़ती जा रही है। तस्वीर भी दिखाते हैं उस नोटिस की जो जैसे जैसे ये नंबर्स में इंक्रीज हो रहे हैं ये हरकतें शुरू हो गई।
न्यूज को दिखाने को कहा गया है, मस्जिद को सील कर दिया गया है। माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी थी, ये बड़ा सवाल है। इसकी पड़ताल तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जिस मस्जिद से पत्थर फेंके गए थे, अब उसको लेकर भी यहाँ पर आप देखिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पथराव वाली मस्जिद को सील कर दिया गया है, मस्जिद को प्रशासन ने नोटिस दिया है। राजस्थान के जहाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मस्जिद को प्रशासन का नोटिस दिया गया है, मस्जिद से कल शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, पथराव वाली मस्जिद को सील कर दिया गया। इसी दिन रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनय पंत का। विनय, जहां से ये पूरी की पूरी घटना शुरू हुई, अब देखिए उसको भी नोटिस दे दिया गया है। मस्जिद को कहा है कि कागजात 24 घंटे में दिखाए जाए, इसको कैसे देखा जाए? जी शिवांगी, वाकई देखिए जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम रहा, जल जुलनी एकादशी पे जो धार्मिक यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव किया गया जामा मस्जिद से। और ताजुब की बात यह है कि पिछले साल भी जब यात्रा निकली थी तो इसी तरह का विवाद हुआ था, उसके बावजूद भी जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, वो अलर्ट नहीं थी, जिसके चलते इस बार ये बड़ा विवाद हुआ। और जो बाजार है वो लगातार बंद है, स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है। जो चस्पा एक नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है जिला प्रशासन की ओर से जामा मस्जिद की दीवार पर, 24 घंटे के अंदर उस जमीन के जिस पर वो जामा मस्जिद बनाई गई है उसका जो रिकॉर्ड है वो पेश करने के लिए कहा गया है। और अगर रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता है, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटना यहाँ हो चुकी है और ऐसे में पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई है, क्योंकि जब ऐसी घटना होती है तो इन इलाकों में पुलिस को तो और भी ज्यादा तैनाती की जानी चाहिए। उतना अच्छा बता रहा था। जी शिवांगी, वाकई पिछले साल भी इसी तरह से विवाद हुआ था। ताजुब की बात यह कि कल जो धार्मिक यात्रा निकली उसमें पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, और जो पथराव हुआ उसमें पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। 50 से 60 लोग हैं जो कि चोटिल हुए हैं पथराव के चलते, भगदड़ के चलते। और जिस तरह से हम मौके पे गए थे वहाँ पे अभी भी जो जूते चप्पल लोगों के मौजूद है, बड़े बड़े पत्थर अभी भी वहीं पे रखे हुए हैं, स्थानीय लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, क्या घटनाक्रम रहा हम जानना चाहेंगे, और किस तरह का विरोध आप लोगों के द्वारा दर्ज कराया जा रहा है? जो हमारे जहाजपुर नगर का धार्मिक ताना बाना इन लोगों द्वारा सांप्रदायिक तत्वों द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, वो कई बार बिगाड़ा गया है, फिर भी हिंदू समाज ने हमेशा धैर्य का परिचय दिया है, लेकिन कल अति हो गई इन लोगों द्वारा। तो हम यही चाहते हैं कि इन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, तो आइंदा से ये लोग इस तरह के धार्मिक नहीं बिगाड़ सके। और इन लोगों पे जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनको अरेस्ट किया जाए, इनके सभी जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जावे, इनकी जो मस्जिद है वो ठाकुर साहब की हवेली की जमीन पे अतिक्रमण करके बनाई गई है, सीमांकन करके अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जावे। हमें इनके जायज कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो गलत कार्य करते हैं, इनके जो युवा वर्ग है वो गलत कृत्यों में शामिल है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बहुत ही शॉकिंग था, पहले हुआ था, पिछली बारी भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था कुछ, इस बारी पुलिस भी थी उसके बावजूद उन्होंने, और ये पत्थर वत्थर नहीं, प्रॉपर ईंटे मोटी मोटी थी, ओ उसको फेंकने का मतलब उनको मतलब पता है कि किसी को लग जाए तो कितनी बड़ी चोट, मतलब क्या क्या हो सकता है, कितनी हिम्मत इनकी। और सबसे शॉकिंग था कि जहां पे मस्जिद बनी हुई है वो मतलब कोई ठाकुर जी हैं उनकी वो मंदिर या कोई वो इलाका है जिसको इन्होंने लिया हुआ है। मैं तो हैरान होती हूँ, जब उन्होंने लिया था तब चुप क्यों बैठे रहे, जब ये बन रही थी तब दुनिया क्यों चुप बैठी रही, पुलिस क्यों चुप बैठी रही, करेक्ट अथॉरिटीज क्यों चुप बैठी रही, अब याद आ रहा है जब उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। जब भी बुलडोजर चलता है इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो इल्लीगल बनी होती है, वहीं से इल्लीगल एक्टिविटी होती है, वही और इसीलिए बुलडोजर चल पाता है। और ये इल्लीगल हर बारी एक ही रिलीजन वाले लोगों का क्यों दिख रहा है हमें, हर जगह इन्होंने इल्लीगल मस्जिदें बनाई हुई, इल्लीगल एक्सटेंशन किए हुए, भैया इतनी हिम्मत इनके पास आई कैसे? चलिए वो बता रहा था उसके बाद कुकर्म भी कर रहे हैं वो बना कर, वो लोग लैंड को प्रूव नहीं कर पाए कि उन्होंने खरीदी है, अब बुलडोजर क्या एक्शन होगा, आई डोंट नो, वी विल सी। भाई गॉड, देश को तो डुबाने में लगे हुए हैं ये लोग, कितना मतलब कई बार सोच के लगता है कि क्या हो रहा है। और इससे पता चल रहा है कि भैया यूसीसी कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ में इन ऐसे लोगों के लिए स्ट्रिक्ट लॉज कितने इंपॉर्टेंट हैं, लॉज नहीं ऐसे बने हुए तभी इनमें हिम्मत आ रही है। और ये यंग जेन जो युवा है वो कर रही है, ये जो अब आगे की पीढ़ी आ रही है उनका दिमाग ऐसे खराब किया हुआ है, वो ये हरकतें कर रही हैं। तो सोचो फ्यूचर ऑफ अपना देश क्या होने वाला है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया। नहीं, वो तो जैसे बोल रहे हैं कि यात्रा खत्म नहीं होगी जब तक पकड़े नहीं जाते, यही करना चाहिए। अब हिंदुओं को जो है बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, अपनी फाइट के लिए, न्याय के लिए खड़े होना चाहिए, ये नहीं कि भैया चुप रहो, एक बारी हो गया दूसरी बारी हो गया, अब नहीं, अब नहीं।
नहीं, प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉज बने, इनके ऊपर एक्शंस हो, एक एक को पकड़ो। महिला भी इन्वॉल्व थी, कह रहे ना एक महिला को भी पकड़ा है, यहाँ पे महिलाएं भी ये कर रही हैं काम। बाप रे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।